सोनोटेक कैसेट्स। सीता बन के आई लक्ष्मी, श्री विष्णु बन राम, भक्तों को दर्शन दिए, सिद्ध भये सब काम। यह देख देवता हरे साए, हे अवधपुरी में धूम मची, चहु दिशा सुगंधी छाई है, घर घर में दीप जले खुशियों के, लक्ष्मी की हुई अबाई है। चौदह से
देखो तो अवधपुरी के नर नारी कितने खुश हैं, राम जी अवधपुरी आए हैं तो। सब अवधपुरी के नर नारी मन फूले नहीं समाते हैं, श्री राम सिया के चरणों में अक्षत और फूल बरसाते हैं। मिलते ही जनक जी को न्योता, रानी संग राजा आए हैं, बेटी और दामाद से भेंट हुई, आंखों में नीर भर लाए हैं। देखो सीता जी को राम भगवान क्या कहते हैं। यह जनक नंदिनी की सुनिए, हम पावन महिमा सुनाए रहे, संजो मुख से कहे राम कथा, बिंदु है कलम चलाए रहे। था गर्भ जानकी माता को, श्री राम समझते थे बातें, धोबी ने ऐसे वचन कहे, दिन रात खटकती थी बातें। हित की नारी जाति को ये सब शोभा देती ना, वाल्मीकि जीवन में रहते। ले आऊंगा सीता।
देखो भगवान रामचंद्र जी सीता मैया से क्या कहते हैं। फुलवारी वन में महक रही, चहुओर सुगंधी छाए रही, भौरे गुलजार है कलियों में, कोयल भी गीत सुनाए रही। हे वाल्मीकि मुनि कायास्त्रम में कुछ महिमा कहीं न जाती है, आए हैं जनक रानी के संग आनंद रामायण बताती है। देखो तो भगवान राम सीता जी को कैसे समझा रहे हैं, बड़े प्यार से सुनिए भक्तों। तुम मेरी संगिनी हो सीता, कुछ ऐसा चरित्र दिखाना है, नारी जाति के हित के लिए वनवास आपको जाना है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, कोई मनुष्य कोई देवता, कोई पत्थर कोई ढोर। हम तुमको लोग
कहीं न जाए, तरह तरह की हो टिटोली, कोई कुछ तो कोई रहा बताए, राम प्रभु ने विजय नाम को लिया गुप्तचर को बुलवाए, पूछने लागे बड़े प्रेम से, तू से हमें तुम दे बताए, मेरे बारे में क्या चर्चा। देखो राम भगवान बड़े संकट में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। राम धर्म संकट में पड़ गए, जग के पालनहारे प्रभु, कहे दूत से अबध बिहारी, प्रेम के शब्द उचार प्रभु, क्या क्या चर्चा होए हमारी, सत्य हमें बतलाओ, निश्चल होकर कहो हकीकत, हम सेना दूत छुपाओ। देखिए दूत भगवान राम जी से क्या कहते हैं कि हे प्रभु जो आप चाहते हो वही करिए। कहता प्रभु राम से और उनका दूत डराए, जो गलती मैंने कही नाथ क्षमा हो जाए। राम कहे लक्ष्मण भैया से बुलाया अपने पास, सीता को रथ में बैठा के छोड़ आओ बनवास। देखा था दिया
विश्वास जगा। इतना कह के चले राम जी के कई के महलन में जाए, बैठी थी आंगन में सीता के कई के संग रही बताए, खड़े खड़े सुन रहे राम जी एक टक अपने कान लगाए, खड़े खड़े सुन रहे राम जी। तो देखो राम भगवान लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं के कई की खोटी करनी परे, श्री राम प्रभु धिक्कार रहे। अभी भी संतोष नहीं माँ को, नैनों से आंसू धार रहे। सीता से के कई कहती है कैसा धारा बड़ बतला दो, बहु चित्र बना दीवाल पे तुम, ऐसा चा मुझको दिखला दो। कपट अभी भी कपटन को वह कड़वे मन से मुस्काई, श्री राम की दृष्टि पड़ी जो ही रावण का चिन्ह दिखाया है। कहती के कई तेरी बहू ने खुद हाथों से ही बनाया है।
कि हे मैया, सीता को तो सवेरे देखने ही नहीं मिलेगा, मैं बन को पठा दूंगा। इससे अच्छा मौका मुझको फिर कभी ना मिलने पाएगा। मन की अपने सब कर लूं मैं, फिर समय न ऐसा आएगा। के कई के मन संतोष नहीं, वनवास उसी ने भुगवाया। अपने बेटे का राज के हिते एक नया जाल है फैलाया। देखो केकई कितनी कपटन थी, जो अपने भरत के कारण राम को वनवास भेज दिया। देखो कि राम सीता जी को वनवास भेज रही है कि मेरा भरत राज सौंप लेगा। सिंहासन पे प्रभु लेटे हैं, रातों में नींद नहीं आती है। सीता के विरह की रामा को पल पल की याद सताती है। अब सोच रहे हैं राम प्रभु, सीता को सुबह समझाऊंगा। वनवास तुम्हें जाना होगा, फिर मैं तुमको ले आऊंगा।
बहन का कुछ कहा न जाए, चुमन लागी राम का मुखड़ा। इतना सुन कौशल्या माए बार बार माले से बलैया, नैनन गए हैं आंसू छाए, लेट गए हैं सिंहासन पर। कुछ पल गई रात जब आए, लेट गए हैं सिंहासन पर। देखो राम प्रभु अपनी माँ कौशल्या से हर बातें बता बता के और सिंहासन पर बैठकर सोचने लगे। और क्या सोचते हैं? जो कुछ पिता में मोहे कहे आज्ञा का पालन कर लूंगी, जंगल में चाहे जैसे हो अब सारे सुख दुख से लूंगी। मेरे तो प्राण आधार प्रभु, कहना नहीं उनका टालूंगी। दुनिया को सत्य बताना है, जंगल में समय बिता लूंगी। धन हो सीता धन हो। चली जाऊंगी, मेरी सखी सहेलियों को बुला दीजिए प्रभु। चलते चलते लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू भर आए, सीता भाभी को देख देख दिल दुख से बहुत ही दहलाए। हरा भरा बन देखते हैं लक्ष्मण बलवंत, वाल्मीकि का आश्रम में है बैठे साधु संत। अमेरिका
नीचे ठहरे जा, रोक रख लक्ष्मण वहीं पर, सुंदर आसन दिया बिछा, रोक रख लक्ष्मण ने वहीं पर। लखनलाल ने अपना रथ वहीं रोक लिया और सीता मैया को आसन में बिठा दिया और फिर क्या कहने लगे, जो यह धरती माँ फट जाती इसमें जाऊं समाए, प्राण पखेरु जे उड़ जाते लगन अवधि ना जाए। ब्रह्मा सोचे शिव जी सोचे, हो ना जाए अनर्थ, विश्वकर्मा को बुला ब्रह्मे देव, फोरन किया सतर्क। हाथ पकड़ लिया विश्वकर्मा ने, दिया लखन को रोके, विपत तुम्हारी अभी टाल दूं, वृथा करो न सोके। ब्रह्मा जी ने सही वक्त पर मुझको यहाँ पठाया, पाकर के आदेश लक्ष्मण मैं इस वन में आया। तो लखनलाल का विश्वकर्मा जी ने हाथ पकड़ लिया और बोला, लखनलाल जो होना था वो हो गया। ये है
में पड़ गए। और शंकर जी भी सोच में पड़ गए कि लखनलाल तो बताओ अपने प्राणों की आहुति देने लगे। विश्वकर्मा भगवान ने टालने दई मुसीबत टाली, अब तुम चिंता ना करो सुनिए लक्ष्मण लाल। अवधपुरी के लोग सबे मान जाए विश्वास, और भुजा काठ की रच दी मैंने, जाओ प्रभु के पास। ने सब दही बता
में सीता मैया की भोजा लेकर के और चल दिए आवतपुरी के लिए, और विश्वकर्मा जी ने काठ की भोजा बनाई थी। नकली भोजाए काठ की लाए लखने कुमार, देख के मणि से जटले भोजाए चकित भये नर नारे। भर में मिटाया है लोगों का माने दुनिया सारी, सीता की दोनों भुजाएं मंगाई भाई से अवध बिहारी। सज्जनों, कुछ समय के बाद सीता माँ एक सुंदर से बालक को जन्म देती है, तो हम आपको वो कहानी सुना रहे हैं, सुनिए। सभी को आए राम।
आहा देखो तो भगवान राम को जैसे ही पता चला कि मेरा एक पुत्र हुआ है तो उनको बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि उनको हृदय में समाता ही नहीं। सीता ने एक सुत जायो है वाल्मीकि सुन बेरे मारे खुशियों के तभी भर भर आए चूमत मुखड़ा जानकी माँ की भर गई गोदे कभी रोए कभी हंसे लाड़ला लगा जिया मैं गोदे। तो देखो सीता मैया अपने पुत्र को कैसे खिला रही है। आए हाय कैसा निछावर कर रहे हैं। ऋषि पत्नी ने सेवा की नहीं अपनी बिटिया जाने जंगल में अति मंगल होगा प्रभु करे कल्याणी न्यारे दीप जले आश्रम में आए कृपा निधानी अवधपुरी से आए हैं करे अनेक दान। देखो भगवान कैसा दान कर रहे हैं। आरती लाई
आजकल आज्ञा रहे हमार, आज्ञा लेकर वाल्मीकि की मुनि चरणों